ये कैरियर जो है टूट गया था इसका, इसके ऊपर टॉप बॉक्स माउंट था भाई। इसकी बैटरी शायद डेड है या जो भी इशू है वो अभी सर्विस सेंटर ले जाके दिखाएंगे। बैटरी हम लोगों ने निकाल ली है और 8th फ्लोर पे हम ले पैलेस में। ऊपर चढ़ना भारी है भाई यहाँ पे, एक तो वैसे इतना ऑल्टीट्यूड पे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। और ले हम लोग पहुंच गए थे कल शाम को और हम लोगों ने बहुत बढ़िया होटल मिला हमको। ये मेरे पीछे देख रहे हो ये होटल है, इसका नाम है सेक्सपो। बेसिकली भाई ये जो ऑनर है उन्हीं के नाम पे है ये। और इस होटल से व्यू देखो यार, मेरे चारों साइड उस पहाड़ देखते हैं और वहाँ कहीं पे अगर आपको दिख रहा होगा तो स्नो कवर्ड माउंटेन से वहाँ खारदुंगला पास है जहाँ हम जाएंगे कल। और आज का काम है, आज का डे थोड़ा सा लाइट रखा हमने। आज हम लोग सबसे पहला काम करवाएंगे भाई अपनी बाइकों में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई है उसको रिजॉल्व करवाना है। उसके बाद एक यहाँ पे ले पैलेस है जहाँ पे बेसिकली राजा रहता था पहले ले का, वहाँ घूमने जाएंगे। और भी एक दो जगह वो भी एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद ले मार्केट है। और सबसे पहले भाई बाइकों में मैं दिक्कत दिखा देता हूँ आपको कि क्या हुई है। तो ये आप देख रहे हो मेरी बाइक में क्या हुआ था। ये कैरियर जो है टूट गया था इसका, इसके ऊपर टॉप बॉक्स माउंट था तो मे बी शायद हैवी लोडेड था और ऑफ रोड काफ़ी किया तो ये टूट गया मेरा। और भाई किसी तरह ले तक आ गई है 100-150 किलोमीटर, वो बड़ी बात है। और विशेष की बाइक में भी ले पहुंच के प्रॉब्लम हुई है भाई। इसकी बैटरी शायद डेड है या जो भी इशू है वो अभी सर्विस सेंटर ले जाके दिखाएंगे। बैटरी हम लोगों ने निकाल ली है, यही लेके जा रहे हैं। डेड है तो नई बैटरी ला के लगा देंगे, नहीं तो देखते कैसे सॉल्व करना है। अभी मेरी बाइक पर जा रहे हैं विशेष और मैं यहाँ से। और एसजे भाई ने बताया, उन्होंने देखी होगी ना स्टोरी, तूने जो बैग लगाया था ना गलत लगाया था। वो हमेशा जो भी बैग लगाओ ना उसको ऐसे लगाओ, टेढ़ा, उसका जो भी वेट होगा ना वो फैल जाएगा। तूने सीधा लगा देना तो वो सीधा बैग पूरा पीछे की तरफ आया। वो सीधा मैंने इसलिए लगाया, ऐसे नहीं लगाया क्योंकि वो फिर बाहर निकलता। वो तो भाई सैडल बैग नहीं लगाओगे और वो लगाओगे बात तो एक ही होगी, पर वो मुझे भी लग रहा है अगर तूने ऐसे लगाया ना तो पूरा लोड तेरा उस पे ही आया। और तू ऐसे लगाता ना वो साइड में चला जाता। चलो भाई एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आप इम्प्रोवाइज करेंगे सिचुएशन को, सबसे पहले रिपेयर करवा लेते हैं सब जाके। तो यार अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घोड़ा चौक की ओर। जो हमारे होटलमैन भैया ने बताया था कि घोड़ा चौक के साइड आपको काफ़ी सारी कार और बाइक रिपेयर शॉप मिल जाएगी, वहीं पे मेरी बाइक में वेल्डिंग हो जाएगी और बजाज के सर्विस सेंटर ढूंढ लेंगे। गए तो हम लोग थे पहले बैटरी चेंज करवाने, पर बैटरी हम लोगों ने KTM सर्विस सेंटर पे चेक करवाई, उन्होंने बोला मे बी बैटरी ओके है, तो आप लोग एमरॉन के ऑथराइज्ड जो भी यहाँ पे डीलर है उस पर जाके एक बार चेक करवा लो, तो वो भी पास में ही है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे वेल्डिंग वाला मिल गया था तो मैंने कहा पहले एक काम करवा लेते हैं, और एमरॉन वाला भी यहाँ से पास में ही 100 मीटर आगे होगा तो दोनों तीनों काम एक जगह पर हो जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो भैया कह तो रहे हैं कि अभी वेल्डिंग ओके ओके हो जाएगा। जो ये टॉप रैक था बस अब इन दो रॉड पे टिका हुआ था, ये भी ऑलमोस्ट हल्की फुल्की क्रैक सी हो ही रही थी क्योंकि काफ़ी लोड था और 100-150 किलोमीटर चलाई थी। अब भैया कह रहे हैं कि इसको खोल के पहले इन्हें सीधा करेंगे और जो चारों जॉइंट हैं इन जॉइंट को चेक करके गैस वेल्डिंग के थ्रू करेंगे। फाइनली अपनी फैलकन तो होगी रेडी, मैंने बस 5 मिनट हार्ड लिया हमारे लिए और ये प्रॉपर गैस वेल्डिंग से जोड़ दिया है। कह रहे हैं अब ले जाओ इसे आराम से दिल्ली भी। भाई दिखने में सॉलिड लग रहा है, सही जुगाड़ हो गया एकदम। अब इसके ऊपर टॉप बॉक्स माउंट करके आराम से चला सकते हैं। एक काम डन हुआ, अब दूसरा है बैटरी चेंज करवाना है या एक बार को डोमिनार चेक करवाएंगे भाई हल्क क्या हाल चाल है उसके, क्या दिक्कत आ रही है। तो यार हो गया है भैया, बस अब टेस्ट ड्राइव पे लेके जा रहे हैं। मतलब दोनों बाइक्स रेडी हो गई हैं, मेरी तो तभी हो गई थी और विशेष की बाइक में भी बस नॉर्मली बैटरी चेंज हुई है और ज़्यादा बड़ा कुछ इशू था नहीं। उन्होंने सारी वायरिंग वगैरह सब चेक तो कर ली, कह रहे सब ओके है, बस बैटरी डेड थी तो हम लोगों ने एमरॉन की नई बैटरी लेके लगवा ली उसमें। अब बस भी टेस्ट राइड लेके आएंगे और हमें ओके का सिग्नल देंगे, हम यहाँ से बाइक लेके निकलेंगे होटल पे और बस थोड़ा चेंज करके फ्रेश एंड अप होके जाएंगे। देखते हैं यहाँ से हम ले पैलेस जाएंगे। और मौसम तो भाई ये देख रहे हो मेरे पीछे, मौसम बेईमान है भाई एकदम से ही, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते ले में, कह रहे तुरंत 10 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। तो हो सकता है खारदुंगला पे बर्फ़ पड़ रही हो और शायद हमें बंद मिल सकता है, बाकी तो पता करके जाना पड़ेगा। अगर बर्फ़ पड़ी होगी तो फिर चांसेस कम है खारदुंगला जाने के, तब हम प्लान करेंगे उस हिसाब से अकॉर्डिंगली। अब यहाँ से फटाफट होटल चलते हैं और जल्दी निकलते हैं ले पैलेस के लिए क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं भाई। तो यार हम लोग सारे काम निपटा के अपनी दोनों बाइक रेडी होके करके होटल आ गए थे और वहाँ पे बस कपड़े चेंज करे और फटाफट निकल गए हम ले पैलेस के लिए। और हमारे होटल से बहुत पास है, इवन विजिबल है हमारे होटल से ले पैलेस,
ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है बस। तो हम लोगों ने सोचा कि दो बाइक ले जाने से अच्छा है एक ही बाइक ले जाते हैं। तो विशेष चला रहा है मेरी बाइक और हम जा रहे हैं यहाँ से अभी ले पहले से, और मौसम बिगड़ गया भाई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो जल्दी चलते नहीं तो मैं तो भीग जाऊँगा। बहुत जल्दी जल्दी हम रास्ते ढूंढते हुए आए हैं ले पैलेस, क्योंकि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ते थे, अंदर अंदर मिल नहीं रहते। और यहाँ पे बोलते हैं कि ऊपर ले पैलेस से जो है पूरे ले सिटी का व्यू मिलता है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है ले पैलेस। और इसकी हिस्ट्री ये बताई गई है कि जो मतलब ले सिटी का राजा था वो यहाँ पे रहता था, तो इसीलिए इस जगह का नाम है ले पैलेस। और यहाँ पे टिकट लगती है कितनी, 25 रुपीज़ पर हेड इसकी टिकट है। और इसके ऊपर चल के देखते हैं भाई क्या सीन है और बड़े बड़े रील्स बनाते हैं। और यार अभी हम लोग हैं ले पैलेस में 5th फ्लोर पे, और यहाँ अंदर ले पैलेस में कहीं भी फोटोग्राफी अलाउड है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैं बस चुपचाप कहीं साइड में हल्की सी वीडियो बना रहा हूँ, पूरी मैंने वीडियो तो अंदर की बनाई नहीं क्योंकि अलाउड भी नहीं है। और इसकी डिटेल हिस्ट्री आप गूगल भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ से इस विंडो से व्यू देखो ले सिटी का। ऊपर चढ़ के बहुत ऊपर मतलब ये बादलों की ऊंचाइयों में हम लोग, और 8th फ्लोर पे हम ले पैलेस में। ऊपर चढ़ना भारी है भाई यहाँ पे, एक तो वैसे ही इतना ऑल्टीट्यूड पे 4 कदम वैसे ही सांस फूल जाती है, 8-8 मंजिल चढ़वा रहे हैं यार ये। और वैसे कुछ नहीं है, पूरे ले पैलेस में अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें बटी हुई हैं, जैसे किसी पे फोटो एग्जीबिशन है, किसी पे कुछ इनकी कोई होली प्लेस है, कुछ मतलब इनकी बुद्धा जी की मूर्ति वगैरह, कुछ ऐसे अलग अलग लेवल पर अलग अलग बटा हुआ है। और 8th फ्लोर पर इनका रूफ टॉप है, और यहाँ से पूरे ले सिटी का बहुत बढ़िया व्यू मिलता है, ये टॉप पे है क्योंकि। और ये चीज़ मैं आपको रियर कैमरे से दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखता है। ये देख रहे हो मेरे पीछे बादल, ये कल हमारे ट्रिप में ग्रहण न लगा दें यार, तब तक आप लोग इस व्यू को एंजॉय करो यार। बाइक पे बैठ के हम यहाँ से निकल रहे हैं ले मार्केट की तरफ, देखते हैं भाई भूख भी तो लग रही है। अब पहले मार्केट में जाएंगे, थोड़ा सा ले का ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लान आगे देखते हैं कैसे करना है। थिक्सिया मोनेस्ट्री एक वहाँ जा सकते हैं, पर पहले कुछ खाना है भाई, पेट पूजा भी जरूरी है। और यार ये देख रहे हो ले पैलेस की पार्किंग की कोई इनके पास व्यवस्था ही नहीं है सही से, कोई भी कहीं से गाड़ी ला रहा है, कोई भी कहीं पर फंसा दे रहा है, और पार्किंग में जाम लगा हुआ है, आए थे जब भी और अब जा रहे हैं जब भी। यार बेशक यहाँ पे पार्किंग में ट्रैफिक लगा हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर व्यू ऐसे हो ना तो सब चलता है यार। अब यार ऊपर ले पैलेस आने के बाद हम लोगों ने नीचे अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और हम लोग आ गए हैं ले की मेन मॉल रोड पे, मार्केट में, ले मेन मार्केट में। और यहाँ पे प्योर भाई लद्दाखी वाइब्स हैं, और चारों तरफ तिब्बतन फ्लैग्स आप मेरे पीछे ऊपर देख रहे होंगे, और मैं रियर कैमरे से भी दिखाता हूँ हम लोगों को। और अभी यहाँ पे देख रहे हैं भाई कोई बढ़िया से कैफ़े या कुछ खाने में बढ़िया ऑथेंटिक मिल जाए यहाँ का, तो मज़ा आ जाए। अब भूख भी बहुत तेज़ लग रही है ना, एक्चुअली सुबह से बस ब्रेकफास्ट करा था और अब ऑलमोस्ट शाम के 4 बज रहे हैं, तो चलते हैं भाई देखते हैं। और यार यहाँ ले मेन मार्केट में हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का खाया, पास्ता वगैरह स्नैक्स, और बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए हम लोग निकल गए यहाँ से सीधा मैग्नेटिक हिल की साइड, क्योंकि अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और आधे घंटे में यहाँ से, आधे घंटे का रास्ता यहाँ से मैग्नेटिक हिल्स का 28 किलोमीटर्स। और मौसम भी आप लोग देख पा रहे हो अगर ऊपर तो काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो फटाफट मैग्नेटिक हिल्स घूम के और रिटर्न आएंगे ले की साइड। और यहाँ से मैग्नेटिक हिल्स तक मेरे साथ एज अ पिलियन राइड कर रहे हैं संचित भैया, और विशेष चला गया कार में। और यार पता नहीं हिमालयन का रिज़र्व कितने किलोमीटर का आज तक तो मैंने चेक नहीं किया था, और क्योंकि अभी मेरे पास जेरिकैन है और जेरिकैन दोनों जेरिकैन में पेट्रोल है, तो अभी तक 123 किलोमीटर चल चुकी है ये रिज़र्व में। देखते हैं जहाँ पूरा ख़त्म होगा वहीं डालेंगे भाई, मैंने भी मैं रिज़र्व ही देखूँ आज इसका कितना चलता है। और आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है मैग्नेटिक हिल्स का, तो इतना ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए यार रोड पर। हाँ लगता है मेन ले सिटी तक का ही है, जैसे ही सिटी से हल्का सा बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा और रास्ता काफ़ी सीधा सा ही है, और ले के रास्ते तो भाई एक नंबर है ही, तो फटाफट कवर हो जाएगा।
भाई लेह का मौसम समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप मेरे लेफ्ट में देखोगे तो ऐसा लग रहा है बहुत गंदा तूफान आ रहा है, ऊपर तो भाई स्नोफॉल पक्का हो रही होगी, लेफ्ट में देखने पे ऐसा लग रहा है भी ये बादल थोड़े टाइम में यहीं आ जाएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। ये देखो, और इसी के अपोजिट बस मैं राइट में दिखाया तुम्हें, देखो यार कितनी तेज़ धूप निकली हुई है अभी। देखो यार जैसा कि मैंने कहा था वो मेन ले सिटी तक का ट्रैफिक था, उसके बाद का रोड देखो यार क्या एक नंबर है मैग्नेटिक हिल्स। आधे घंटे के बजाय मुझे तो लग रहा है हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि कार थोड़ा सा सिटी में ट्रैफिक में फंस गई, बाइक तो साइड से आराम से निकल जाती है, बेनिफिट ऑफ बाइक्स। और ये हमारे लेफ्ट में जो है अभी पूरा एयरपोर्ट चल रहा है, लेह एयरपोर्ट, और इसी के बगल से सीधा रास्ता जाता है ये मैग्नेटिक हिल्स की साइड। ये है यार मैग्नेटिक हिल पॉइंट पे एक मैग्नेटिक हिल कैफ़े है, और वो कुछ फ़ोटो पॉइंट है, लद्दाख की ड्रेस में आपके साथ फ़ोटो करा देंगे। और ये मैग्नेटिक हिल का पूरा रोड है, अलग से एक टेस्ट लेन बना रखी है बीच में, जहाँ पे आप मैग्नेटिक हिल टेस्ट कर लो कि आपकी गाड़ी स्टीप पे अपने आप जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा भाई। और इसी के जस्ट पीछे वो ATV ट्रैक बनाया हुआ है, तो वो भी पास जाके देखते हैं क्या सीन है, और एक बार इसे भी ट्राई करके देखते हैं अपनी कार से भाई क्या सीन यहाँ पर हो रहा है। ये कार भी वैसे दिख रही आ रही है, देखो पीछे ही आ रही है, न्यूट्रल करने के बाद पीछे ही आ रही है, आगे जा ही नहीं रही, मैग्नेट खत्म हो गई यहाँ की। हम यार बहुत एक्साइटमेंट के साथ गाड़ी और बाइक भगाते हुए पहुँचे मैग्नेटिक हिल्स, मैग्नेटिक लाएंगे देखेंगे भाई क्या सीन होता है यहाँ पे ऐसे। और हमने यहाँ पे गाड़ी भी लगाई, वो भी पीछे ही आ रही है, और पानी भी डाल के देख रहे लोग वो भी पीछे, मतलब मैग्नेट खत्म हो गई क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस बात की मैग्नेटिक हिल। नाम दे रखा स्लोप है, अब बोलते हैं स्लोप ऐसे, अगर स्लोप है तो हम पानी डालेंगे तो वो अपोजिट साइड पर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये देखो यार ये गाड़ी भी, ये जो आपके पास ये दो स्ट्रिप दिख रही है टेस्ट लेन है, यहाँ पे गाड़ी लगा के टेस्ट करते हैं कि भाई वो ऊपर जाएगी लेकिन वो नीचे ही आ रही है। और इसी के जस्ट पीछे ATV का ट्रैक बना रखा है भाई, यहाँ पे आप ATV रेंट करो और ऑफ रोड करो, 1200 रुपीज़ पर हेड है। हमने सोचा तो था विशेष और मैंने कि भाई कर लेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि भाई 250 किलोमीटर ऑफ रोड ही करके आए हैं हम लद्दाख से, लद्दाख यहाँ पे मेन तो पता क्या है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हाँ ना यहाँ ड्रोन उड़ा सकते ना GoPro है, मोबाइल की बैटरी 3% है, तो क्या कर सकते हैं, तो इसलिए भाई यहाँ से निकलो, 6:30 बज रहे हैं, टाइमली पहुँचेंगे, सामान वगैरह पैक करेंगे और उसके बाद बस करेंगे और क्या करेंगे। हाँ भाई साहब बाइकर्स देखो यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स हैं, सब ये रुके मैग्नेटिक हिल्स पे, हम भी रुके थे, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं भाई, क्योंकि शाम होती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, और हम राइडिंग जैकेट वैकेट के बिना ही आ गए थे, बस हेलमेट नॉर्मल लेके, तो जल्दी निकलना चाहिए हमें यहाँ से। और ये मैग्नेटिक हिल पे हमारा तो हो गया भाई, हमें कुछ अलग लगा ही नहीं, जैसा नाम था कि कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, बस बाइकर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन किसी को कुछ वो है नहीं भाई, ये मेन हाईवे देखना कैसे कैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, कोई सिस्टम ही नहीं है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई अपने होटल की ओर, क्योंकि शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है, ठीक सी एम मोस्ट प्रोबेबली बंद हो जाएगी 7 बजे तक का शायद लास्ट टाइम था, और अभी हो रहे हैं 6:36, तो उसको कल या परसों में देख लेंगे। अभी मेरे ख्याल से हम पैंगोंग से जब वापस आएंगे तो हमें ले ही आना है, तो ठीक से हम मोनेस्ट्री तब घूम लेंगे। अब होटल जाते जाते बस एक चीज़ यही और देखनी थी कि कितने किलोमीटर पे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, और मैंने इसे चलाई भाई, आज इसका रिज़र्व चेक करा है, 174 के अराउंड ये रिज़र्व में चली है, वो भी हिली एरिया पर लद्दाख में। अब एक्स्ट्रा फ्यूल तो हम कैरी कर ही रहे थे जेरिकैन में, फटाफट अपने टैंक में पलट लेंगे और ऑल सेट।